क्लिक की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। देश भीषण त्रासदी के दौर से गुजर रहा है। भूख और बेरोजगारी ने भारत के पूरे नक्शे को अपने कब्जे में कर लिया है। हर तरफ वही मंजर दिखाई दे रहा है जहां भूख है, बेरोजगारी है, बेकारी का संकट सबके सर पर छाया हुआ है। हमें और आपको, तकरीबन हर भारतीय नागरिक को सबसे बड़ा डर यह है कि कोरोना संकट के बाद या कोरोना संकट के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था का जो चक्का जाम हो रहा है, इसे कैसे दोबारा शुरू किया जा सकता है, कैसे वापस अर्थव्यवस्था में गति आए। गति रुक गई है, रुक सी जा रही है। और हम पाते हैं कि ठीक इसी समय तमाम राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने सबसे पहला निशाना मजदूरों को बनाया है। एक के बाद एक तमाम राज्य सरकारें श्रम कानूनों में संशोधन कर रही हैं या उन्हें लंबे समय के लिए स्थगित कर रही हैं। इस बारे में हमने बातचीत करने की कोशिश की दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अतुल सूद से। वे अर्थशास्त्री हैं और लंबे समय से कई अध्ययन उन्होंने ऐसे किए हैं जो कंपैरेटिव हैं, जहां पर एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में क्या स्थिति है, किस तरह से नीतियां असर डाल रही हैं, मजदूरों की क्या स्थिति है, मजदूर कहां किस क्षेत्र में कितना काम कर रहे हैं, इस पर एक बारीक और पैनी नजर प्रोफेसर अतुल सूद की है। अतुल जी, आपका न्यूज क्लिक में स्वागत है। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो इस समय हमें दृश्य दिखाई दे रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो वापस लौट रहे हैं, रेल से कट रहे हैं, अलग अलग ढंग के हादसे, और ठीक उसी समय सरकारें श्रम से संबंधी कानून में बड़े बदलाव ला रही हैं। कैसे आप देख रहे हैं इसको? मुझे लगता है कि दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब कोविड के समय जो ये लॉकडाउन और फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात की गई, तब भी मैंने ये बात कही थी कि उस समय जब निर्णय लेने में जो भारत की तस्वीर सामने रखी गई, जो चेहरा फैसला करने वालों को, डिसीजन मेकर्स को, सरकार को जो चेहरा सामने नजर आ रहा था, वो चेहरा मजदूर का चेहरा नहीं था, वो श्रमिक का चेहरा नहीं था, वो मेहनतकश का चेहरा नहीं था। वो चेहरा एक ऐसे हिंदुस्तान का था जो मध्यम वर्ग, अपर मध्यम वर्ग, जो अच्छे घरों में रहता है, जिसके पास डिस्टेंसिंग का स्पेस है या डेंसिटी कम है वगैरह वगैरह, उस जगह में वो फैसला किया गया। और मुझे लगता है कि जो अब श्रमिक कानूनों में परिवर्तन किया जा रहा है, वो जो इमेजिनिंग है, वो जो तस्वीर है, वो जो दृष्टिकोण है डेवलपमेंट को देखने का, फैसलों को करने का, उसको और कंसोलिडेट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, कि एक जो जिसको हम डेवलपमेंट का एजेंडा कहते हैं, जो विकास का एक एजेंडा कहते हैं, उसमें ये कंसिस्टेंट है, उस वर्ल्ड व्यू में ये कंसिस्टेंट है कि हम ऐसे निर्णय करें, ऐसी पॉलिसी करें जिसमें श्रमिक हमारी मुख्य बिंदु का हिस्सा ना हो। और जो भी परिवर्तन आवश्यक है इस कोविड को निपटने के लिए, उसका ज्यादा भार श्रमिक पर पड़े। ये भी कंसिस्टेंट है उसी दृष्टिकोण से कि जब लॉकडाउन हुआ तब भी उसका अधिकतम भार या उसकी कॉस्ट जिसको कह सकते हैं, वो मेहनतकशों ने उठाई। तो ये दोनों एक तरीके से जुड़े हुए हैं। ये एक विकास का, समाज को आगे ले जाने का एक दृष्टिकोण है जिसको बहुत सुदृढ़ किया जा रहा है। और मैं खुद नहीं इसको जोड़ रहा हूं, बल्कि जो कमेंटेटर्स जो ये श्रमिक कानूनों में जो परिवर्तन आया इसको डिफेंड कर रहे हैं, इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि ये बहुत ही उचित कदम है। इनफैक्ट एक कमेंटेटर ने अंग्रेजी में कहा ये फ्यूचरिस्टिक है, मतलब ये भविष्य को बनाने वाला कदम है। वो इन दोनों चीजों को जोड़ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इस कोविड ने हमें एक मौका दिया है। उन्होंने ये इस्तेमाल किया है शब्द, मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब जब नोएमी क्लाइन कहती है कि डिजास्टर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर कैपिटलिज्म, वो एक अलग थ्योरेटिकल पॉइंट है, पर यहां लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हाँ, आज हमें एक मौका मिला है। उन्होंने कहा क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी, और उनका ये बैड क्राइसिस है अनफॉर्चुनेटली, बट दिस क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट। और वो क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इस पे इलैबोरेट करना चाहता हूँ कि एक दृष्टिकोण है, और वो दृष्टिकोण है कि भाई जो हिंदुस्तान में विकास की चुनौतियां हैं उसकी जिम्मेदारी दो चीजों पर है। एक तो उसकी जिम्मेदारी ऐसे कानूनों पर है जो श्रमिकों की और जो आम मेहनतकश लोग हैं और जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं
उनके जो अधिकारों को बचाने के कानून है। इनफैक्ट आज एक इस्तेमाल किया गया है कि कहा गया है कि ये जो एक मैंने इन्होंने एक्सप्रेशन यूज किया है आज एक जगह पर कि लॉज आर द मेन ऑब्स्टिकल, और लॉ कैसे रास्ते में आ रहा है विकास के, तो ये वो लॉ हटने चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये इन्होंने ये जो वार्तालाप इस समय हो रही है वो वार्तालाप जैसे मैंने पहले कहा एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, और वो ये कह रहे हैं कि एग्जांपल देना चाहता हूं मैं ये जो लॉ के बारे में लोग कह रहे हैं, एक कहा जा रहा है आज इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ा लेख है कि हमने जो आपने देखा माइग्रेंट लेबर की जो परिस्थिति रही और जो दिल दहलाने वाली तस्वीरें हमने देखी और जो हादसे हमने पिछले 40 दिन में उनके अनुभव के देखे हैं, और जो मिडिल क्लास ने अपने घरों में टेलीविजन पर इमेजेस देखी हैं, चाहे वो ISBT की भीड़ हो, मुंबई की भीड़ हो, ट्रेन से कटने वाली लोगों, वो बच्ची जो मिर्ची के खेत में काम करती है, वो उसका मतलब जो सारी तस्वीरें मध्यम वर्ग ने देखी है जी। वो ये कह रहे हैं कि वो जो तस्वीर हमने देखी है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो अनुभव है लेबर का वो इसलिए है कि हमने ऐसे नियम और कायदे बनाए हैं जो कि इनके अधिकारों को बचाते हैं, पर वो इस तरह की परिस्थिति पैदा करते हैं कि कभी भी इनका फायदा नहीं ये उठा सकते। माइग्रेंट लेबर के बारे में उन्होंने आज ये बात लिखी है, बड़ा स्पष्ट लिखी है कि जो माइग्रेंट लेबर का कानून इस समय बना है हमारे सामने जो चल रहा है, उसके तहत ये होना चाहिए कि जो भी वर्कर्स इंटरस्टेट माइग्रेंट्स हैं उनके अधिकारों के लिए देयर इज एन एक्ट, एंड दिस एक्ट इज कॉल्ड द रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979 ऑफ इंटरस्टेट। और ये क्या कहता है, इसकी कंप्लायंस कहती है कि जो भी माइग्रेंट इंटरस्टेट काम करेगा वो रजिस्टर्ड होगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स को रिक्रूट करे, और कॉन्ट्रैक्टर या जो भी उसको एम्प्लॉय कर रहा है उसको वेजेस देने का है, डिस्प्लेसमेंट अलाउंस देने का है, जर्नी अलाउंस देने का है, पेमेंट ऑफ वेजेस देने का है। अब जो हमने ये तस्वीरें देखी इसमें ये कोई भी चीज उनके पास नहीं थी, इसकी जिम्मेदारी किसको दी जा रही है, इसकी जिम्मेदारी दी जा रही है कि ऐसा नियम बना जो कि लोगों की एस्पिरेशंस को तो फुलफिल करता है लेकिन जो कि नॉन इम्प्लीमेंटेबल है, जो कि लगा हो ही नहीं सकता, ओरोनियस है, वो कह रहे हैं गलत है। इनफैक्ट एक बड़ा अच्छा बड़ा पिक्यूलियर एक्सप्रेशन उन्होंने इस्तेमाल किया है कि दिस नॉन इन्फोर्समेंट इज सिम्टोमैटिक ऑफ द सोशलिस्ट एरा, ये वो समाजवादी सपने का हिस्सा है जो आज के लिए रेलेवेंट ही नहीं है, वो आज के समय के लिए गलत है। इसलिए इसने ये जो एस्पिरेशन को कानून में बदला गया, इस कानून के कारण उनकी परिस्थिति है। तो यानी कि माइग्रेंट लेबर अपनी परिस्थिति के लिए खुद जिम्मेदार है, क्योंकि जो माइग्रेंट लेबर के अधिकारों को बचाने का सपना है उसके आधार पर जो कानून बना वो कानून इतना अनरियलिस्टिक था। और इसमें देखिए कितनी गलत बात कही जा रही है, बिकॉज इसकी धारणा ये है, इसका मतलब कि जो विद इन द स्टेट माइग्रेंट है उसके अधिकार तो देखे जा सकते हैं, पर जो इंटर स्टेट माइग्रेंट है उसके अधिकार देखना इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि कॉस्ट बढ़ जाती है, ये जब ये वेजेस देने की बात करते हैं और जो पूरा माहौल, अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे मान लीजिए अब जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है और खासतौर से जिस तरह के कानूनों में ढील दी गई और इसके पक्ष में माहौल है कि डेवलपमेंट को वापस पटरी पे लाना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को वापस पटरी पे लाना है, इसलिए ये जो कानून है जो मजदूरों के पक्ष वाले कानून है इनकी अब जरूरत नहीं है। तो ये एक बड़ी अजीब बात है कि एक तरफ इतना भयानक वेदना मजदूरों की दिखाई दे रही है, मतलब ये कष्ट उनके जीवन का दिखाई दे रहा है, और जो सबसे पहली मार पड़ रही है वो उनके बचे कुचे अधिकारों पर पड़ रही है। तो ये बहुत विचित्र है कि ये जो चीज घटित हो रही है हमारे इर्द गिर्द, ये एक्चुअली ना बहुत समय से बातचीत चल रही है, इस किस्म का विचार बहुत समय से चल रहा है, और जैसे मैंने कहा ये मौके का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए अगर आप पहले भी बात करें तो हमें बात की गई कि ये इंस्पेक्टर राज है और हमें इंस्पेक्टर राज को खत्म करना है, क्योंकि ये इंस्पेक्टर राज करप्शन करता है, बहुत सारे नियम हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूल्स हैं, हमें सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए। तो लेबर लॉज में परिवर्तन की चर्चा बहुत समय से चल रही है। फर्क यह है कि पहले क्या होता था, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, ये बात हो रही है इंस्पेक्शन राज की, मैंने आंकड़े देखे अभी आपसे बात करने से पहले, तो इंस्पेक्शन रेट फैक्ट्रीज एक्ट, जो भारत का फैक्ट्रीज एक्ट है जो कि अब हटा दिया गया है, कहा कि फैक्ट्रीज एक्ट लागू नहीं होगा, उसके तहत एवरेज हिंदुस्तान में मैंने 1986 से लेके 2011, क्योंकि 2011-12 के बाद एक चर्चा में परिवर्तन आया है, जो काम पहले पीछे से किया जाता था अब सामने से करने का प्रयास चल रहा है,
2012 के बाद, तो जो इंस्पेक्शन रेट है वो 63% था 86 में, 2011 में 13.4% हो गया, यानी केवल 13% फैक्ट्रीज के अंदर इंस्पेक्शन होता था। और हमें ये बताया जा रहा है कि आज सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इंस्पेक्टर राज इतना प्रभावशाली है जिससे कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो इन्वेस्टर है, जो निवेश करने वाला है, वो निवेश करने में डिसइंसेंटिवाइज होता है। उसको लगता है कि मैं, मुझे मुनाफा ही नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे तो इधर पैसा देना पड़ेगा, उधर पैसा देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले इसको रफा दफा कर दिया। 13% की फैक्ट्री इंस्पेक्शन आपने बिना जी, ये मध्य प्रदेश नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये तो पहले ही आपने कर दिया था बिना नियम परिवर्तित किए, अब आप नियम भी परिवर्तित करना चाहते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये चर्चा बहुत समय से चल रही है, पहले बिना नियम परिवर्तन किए उसकी वैलिडिटी कमजोर की जा रही थी, अब इसको मैं कह रहा हूं कि जो बैकडोर से होता था फ्रंट डोर से होने लगा है, कि अब हम कह रहे हैं कि नहीं, ये हम विकास वही करेंगे जो पूंजीपति के हक में है, क्योंकि पूंजीपति इस नियमों से इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और ये फैक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखें, आपने बात की बिल्कुल ठीक बात की, मैं स्टेट्स की बात करूं तो जिन स्टेट्स ने भारत में ये हुआ कि हमने बात की कि नियमों का परिवर्तन किया जाए, तो सेंटर के लेवल पे रेजिस्टेंस थी, तो स्टेट्स में 2014 के बाद स्टेट्स में इनको लागू करना शुरू किया। तो मैं देख रहा था कि कॉन्ट्रेक्चुअल डेंसिटी, यानी कितना प्रतिशत वर्कर ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग में, जहां पर कि ये नियम लागू होते हैं। आपको पता है कि जो अभी पीएलएफएस सर्वे 2017-18 का लेबर सर्वे है, वो कहता है कि 75% एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया या सेल्फ एम्प्लॉयड है या कैजुअल वर्कर है, यानी जो रेगुलर वेज वर्कर है जिसके कोई अधिकार हैं इन लॉज के तहत, वो बहुत ही छोटी प्रतिशत है। ये तो हमें भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि जो वो छोटा सा प्रोपोर्शन है ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का, उसके अंदर भी हमने एक्चुअली लेबर को कॉन्ट्रेक्चुअलाइज कर दिया, उसमें भी जो लेबर के अधिकार थे वो कमजोर कर दिए। इसी आधार पर किए हैं कि भाई ये जो टू मच लॉज है, ये टू मच लॉज जो है ये डिसइंसेंटिवाइज करते हैं, ये लोगों निवेश का, लोगों को स्केल बढ़ाने के लिए मौका नहीं देते हैं, फैक्ट्रियों को बड़ा नहीं करते हैं हम। इससे आज इनफैक्ट एक समीक्षक ने कहा कि ये नियम इसीलिए फ्यूचरिस्टिक है परिवर्तन, क्योंकि जो पलायन है वो राज्य क्या है, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, जो अंडर डेवलप्ड प्रोविंस स्टेट्स हैं, वहां से डेवलप्ड स्टेट्स की तरफ हो रहा है। डेवलप्ड स्टेट्स क्या है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है। तो अगर ये नियम हटा दिए जाएंगे तो जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं इनमें ही विकास की संभावनाएं पैदा हो जाएंगी। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि जो विकसित प्रदेश हैं वहां क्या विकास हो रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल यूपी में क्या होगा या मध्य प्रदेश में क्या होगा। तो मैंने देखा कि गुजरात में 36% लेबर ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्ट्रैक्चुअल, 47% लेबर हरियाणा में कॉन्ट्रैक्चुअल है, महाराष्ट्र में 40.8% कॉन्ट्रैक्चुअल है, और पूरे भारत में 35% कॉन्ट्रैक्चुअल है। ये मैं 2010-11 के आंकड़े दे रहा हूं, अगर आज ये आंकड़े देखेंगे तो ये प्रतिशत और बढ़ चुकी है। जो पीएलएफएस का 2017-18 का सर्वे हुआ उसने कहा कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में या जो रेगुलर सैलरीड वेज वर्कर हैं, यानी जो नियमों के अनुबंधन के अंदर आते हैं, उसमें बिना जॉब कॉन्ट्रैक्ट के लोग, बिना हेल्थ राइट्स के लोग, बिना वो सारे लोग की प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान का 80-93% जो आप एस्टिमेट पसंद करें इनफॉर्मल वर्कर है, और जो फॉर्मल वर्कर है वो भी इनफॉर्मलाइज हो रहा है। तो जो वर्कर है वो इन नियमों के होते हुए भी इतनी गंभीर परिस्थिति में है, जिसका हमने स्वरूप देखा कोविड के समय में कि उसके पास 2 दिन भी जिंदा रहने के लिए अपनी भी पैसा नहीं था। और वो नियम अब हमें बताया जा रहा है कि आड़े आ रहे हैं लेबर की बेहतरी के लिए। इसलिए लेबर की बेहतरी तभी होगी अगर ये नियम को डाइल्यूट कर दिया जाए। तो जहां इन्वेस्टर जा रहा था वहां लेबर के नियमों की धज्जियां उड़ी हुई हैं, और मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी किस्म से भी निवेश की संभावनाओं को कमजोर किया है लेबर लॉस ने। अगर ऐसा होता तो इतना बड़ा इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्यों होता, या मैं ये क्यों कह सकता था कि जैसे गुजरात में 88.6% ऑफ ऑर्गेनाइज, यानी जो ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग है उसमें वर्कर है जिसका कोई रिटेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं, जिनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है वो 74.8% है, महाराष्ट्र में यही नंबर 55% के आसपास है, और पूरे भारत में ये 77% और 55% के आसपास है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भारत में तो लेबर लॉ पहले ही लागू नहीं था। इसके बावजूद सबसे पहला काम जो सरकारें कर रही हैं वो इन श्रम कानूनों को हटाने का कर रही हैं, क्यों? मैं दो जो बता रहा, एक कि ये मौका का इस्तेमाल किया जा रहा है,
और दूसरी बात यह कि राष्ट्रीय स्तर पर एक विचार पैदा किया जा रहा है कि जो भारत में विकास की चैलेंजेस है, जो विकास की दर खत्म हुई, वो सरकार के फेलियर के नहीं है, वो गलत नीतियों के कारण नहीं है, वो एक्चुअली पुराना जो हैंगओवर है, जो पुरानी चीजें हमारी चल रही हैं उनको परिवर्तित नहीं किया गया इसलिए चल रही है। तो एक किस्म से सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरी तरह अपने को एबडिकेट करना चाहती है कि ना उसने अभी तक कोई गलती की है और जो भी फेलियर है वो पास्ट का फेलियर है, और अगर पास्ट का फेलियर आप मुझे करेक्ट करने देंगे तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसका सरकार उस सपने का कोई डिफेंस नहीं दे रही। ये बताइए कि पहले से भारतीय अर्थव्यवस्था उसकी जो पूरी विकास दर है वो रसातल में जा रही थी कोविड से पहले, कोरोना संकट से पहले, कोरोना के दौरान तमाम तरह के अनुमान आकलन आ रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि हाल बद से बदतर है, खौफनाक स्तर पे सारा मामला है। ऐसे में जो इतने बड़े पैमाने पे लाखों जो प्रवासी मजदूर वापस गांव जा रहे हैं और वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे निर्भर होने की बात कर रहे हैं, क्या क्या होगा जी, क्या ये जो MSMEs हैं ये कैसे चलेंगी, गांव की जो इकोनॉमी है वो कैसे चलेगी, अर्थव्यवस्था का जो एक समग्र विहंगम दृश्य है वो आप कैसे देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि अभी तो एक प्रयास हो रहा है कि अर्थव्यवस्था उन्हीं नियमों पर चले जिन नियमों पे सरकार जिस हक में खड़े होना चाहती है, यानी सरकार नई चुनौतियों से अपने सोचने के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहती है। इट इज बिजनेस एज यूजुअल। जैसे जब आपने जो बिल्कुल सही बात कही कि इकोनॉमी इतनी स्लो डाउन हो रही थी और उस समय बड़ी चर्चा हुई कि जो स्लो डाउन है कोविड से पहले तो इस पे क्या किया जाए, और स्पष्ट निचोड़ है इकोनॉमिक सर्वे में भी आप देख लीजिए, स्पष्ट निचोड़ है कि एकमात्र जो स्रोत था ग्रोथ का वो था कि सरकार अभी भी खर्चे को एक बड़ा हिस्सा करे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसके अलावा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो निजी कंजम्पशन है, जो निजी निवेश है, जो विदेशी निवेश है, जो एक्सपोर्ट है, वो सब घट रही थी। तो यानी जो GDP उत्पादन जो बड़ा कंपोनेंट है वो सारे कमजोर पड़ गए थे, सिर्फ एक कंपोनेंट था जिसके कारण ये 5% की ग्रोथ हमें मिल रही थी और वो था सरकारी खर्चा, सरकारी व्यय। लेकिन सरकार लगातार कह रही थी कि हमें पता है कि यही है लेकिन हम इसके माध्यम से नहीं लाना चाहते, विकास नहीं बढ़ाना चाहते, हम अपने असूल पे खड़ा रहना चाहते हैं। हमारा असूल क्या है? हमारा असूल है कि वो निर्णय लिया जाए जो विदेशी निवेश के हक में, वो ऐसा निर्णय लिया जाए जो ये जो जो जो, जो निजी निवेश है भारतीयों का उसके हक में लिया जाए। हम ऐसे फैसले करें जिससे कि जो जिनके पास जो स्पेकुलेटर हैं, फाइनेंसर हैं, जो 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 पैसा पैसे से पैसा बनाते हैं और मेहनत से पैसा नहीं बनाते हैं, उनके हक में चीजें चलें। तो वो जो फैसले करने के आधार थे वो सरकार ने उस समय भी कोशिश करी पूरी तरह ना छोड़ें, और सरकार अभी भी उस पर कंसिस्टेंट है। आप इंडियन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो कि बिल्कुल भी कोई लेबर के हक की संस्था नहीं है, उसकी अगर आप वेबसाइट पे जाएंगी तो वहां पर 177 कंट्रीज ने जो कोविड के संदर्भ में पैकेज बनाए हैं उसकी लिस्ट है, और वो हर 3 से 4 दिन में अपडेट होती है। उसको अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा कि सारे मुल्कों ने सरकार का GDP का एक बड़ा हिस्सा खर्चे में लगाया है जिससे कि कोविड की जो ये जो जो डाउनस्लाइड है, जो कोविड का जो प्रभाव है, इसको कम किया जाए। किसी ने 6% GDP खर्चा किया है, किसी ने 7, किसी ने 8, किसी ने 4। भारत ने less than 1% ऑफ GDP अभी तक कमिट किया है। 45 दिनों में हमने, सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। जो 1.7 लाख करोड़, which is about 0.85% of the GDP, वो 0.85% है पूरी GDP का, उससे अधिक सरकार कोई भी पैसा इसमें कमिट करने को तैयार नहीं। और उसका आंकलन आ चुका है कि उसमें क्या डबल काउंटिंग है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं कि 1.7 लाख करोड़ में भी कितनी असर पहले, है पहले, पहले के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे उसमें काफी उसमें डाले हैं। जी, तो जो आपका सवाल है कि सरकार ये क्या अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है, सरकार वही अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है जो कोविड से पहले बनाना चाहती थी, और कोविड को भी एक मौके के रूप में, क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास है कि यही एकमात्र रास्ता है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे आगे दो चुनौतियां हैं। हमारे इसके आगे इसकी खामियां भी दिखाने की जरूरत है, पर हमें यह भी स्थापित करना है कि एक्चुअली ये विकास जो ये जो डेवलपमेंट का एजेंडा, ये डेवलपमेंट का मॉडल है, ये आम आदमी को आगे बढ़ाने के हक में नहीं है। वो ये विकास, ये जैसे कहते हैं द इकोनॉमी विल बी डूइंग फाइन बट पीपल विल नॉट, यानी अर्थव्यवस्था तो बेहतर चलेगी लेकिन लोग नहीं चलेंगे, लोगों की परिस्थिति बेहतर नहीं होगी। तो ये जो दृष्टिकोण है विकास का कि भाई
अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाए लेकिन लोगों की हालत बेहतर ना हो, इसी को आगे बढ़ाना है और उसी को आगे बढ़ाने के लिए कर रही है। अभी भी ना तो खर्चा करने की बात कर रही है, मजदूरों को जिम्मेदार ठहरा रही है उनके इस जो परिस्थिति है इसके लिए, उनके कोई अधिकारों को और काट रही है, अपनी ताकत को बढ़ा रही है कि किसी किस्म के भी आप जो डेमोक्रेटिक लड़ाई की आज बात करते हैं वो डेमोक्रेटिक लड़ाई की आप बात ना कर सके, आप कोई सवाल ना खड़े कर सके, चाहे श्रमिकों के अधिकार को लेके हो या बाकी जो कानून बने हैं जो जो कि भारत के ऊपर शिकंजा कस रहे हैं लोगों को किसी किस्म का भी सवाल पूछने को रोकने के लिए, वो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। मेरे को लगता है एक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जा रहा है और कोविड उसमें एक मौके के रूप में लिया जा रहा है। जी, तो आने वाले दिन और परेशान कौन और गहरे संकट वाले होंगे? जी, ऐसा ही दिख रहा है, जब तक कि मुझे लगता है कि हम पूरी चर्चा में ये बात नहीं लाएंगे कि ये कैसे जो ये श्रमिक नियम है श्रमिक के, ये कैसे उनको हटाने से श्रमिक की परिस्थिति और भी बेहतर होगी। आप मुझे बताइए कि अगर 3 साल तक कोई अधिकार किसी श्रमिक का नहीं होगा तो कल को हम जो 12 घंटे में काम कराने की बात कर रहे थे, इसका मतलब 12 घंटे में भी मैं उतने पैसे दे सकता हूँ जितने मैं 8 घंटे में देता था, तो यानी मैं और भी ज्यादा काम करूंगा और मुझे पैसे उतने ही मिलेंगे या उससे कम मिलेंगे। उसकी कोई कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती क्योंकि सारे नियम को सस्पेंड कर दिया गया है, और इसके माध्यम से जो निवेश होगा उससे जो विकास की दर बढ़ेगी वो विकास की दर सबकी बेहतरी करेगी। तो ये इसमें क्या संभावना है कि वो सबकी बेहतरी करेगी? हाँ, वो कुछ की बेहतरी करेगी और मेजॉरिटी की कॉस्ट पे करेगी और श्रमिकों के अधिकारों की कॉस्ट पे करेगी, और मुझे लगता है कि माइग्रेंट लेबर और जो सारे लेबर हैं इनको इससे भी बड़ी कीमत शायद अदा करनी पड़ेगी आने वाले समय में। जी जी, न्यूज क्लिक से बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया अतुल जी।